हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विडोस्टी गाइस। तो आज आप लोगों का बड़ा मशहूर एक ज़माना एक कदीम सवाल जो मुझे सारे लोग करते हैं, तकरीबन 99% लोग जो हैं वो यही सवाल करते हैं मेरे से। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सा सवाल है। तो आज इसी सवाल का आप लोगों को जवाब दूंगा। काफ़ी मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे ये एक ही सवाल जो है वो बार बार करते हैं कि फ्री बेस निकोटीन जो होती है या फ्री बेस लिक्विड जो है वो आप अपने पॉड के अंदर ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब सीन यह है कि दो चीजें हैं, एक तो या तो मैं आपको कहूं कि यार आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, या मतलब ऐड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता और कर नहीं सकते हैं में फर्क है। कुछ लोग लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट आया था एक व्यूवर्स का, और उसने मुझे कहा कि यार मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो अगेन मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही मतलब कि उसको डाल ही नहीं सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसको यूज़ करने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और कॉन्सिक्वेंसेज यही हैं कि आप अगर फ्री बेस यूज़ करेंगे अपने पोर्ड के अंदर, जबकि आपका पोर्ड का जो कोयल है, जिसने मेरी कोयल की वीडियो और मेरी मैश वाली वीडियोस देखी हैं तो उसको पता होगा। अगर वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता। जो आपका पोर्ड का कोयल होता है वो थोड़े से बड़े हायर मैश का होता है, लाइक 0.8-1.2 मैश का कोयल होता है, जो कि आपके फ्री बेस यूज़ के लिए बना ही नहीं होता है। आप ऐड बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐड ही नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई रोला नहीं है। लेकिन सीन ये है कि वो उस कॉइल के लिए बने ही नहीं होते हैं। फिर जब आप उसके अंदर ऐड करते हैं फ्री बेस जूस, तो आपको फिर ये इस चीज़ का मसला हो जाता है। यार ये मच्छर कहाँ से आ रहा है? मच्छर। अब सीन ये होता है कि आप जब उसमें फ्री बेस जूस ऐड करते हैं, पहली बात तो यह 70% वीजी होता है उसमें, वेजिटेबल ग्लाइसरीन, जिसकी वजह से आपको फ्लेवर नहीं आता। आप एक दो कश लेते हैं, आपको शुरू में फ्लेवर आता है, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं उसको, उसके बाद आपको उसका फ्लेवर आता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला इसका यह है। दूसरा मसला इसका यह है कि आपका कोयल जो है वो जल्दी फारिग हो जाता है। फ्री बेस जूस अगर आप पोर्ड के अंदर डालेंगे तो वो आपका तो आपका जो कोयल है वो जल्दी फारिग हो जाएगा। जो 2 हफ्ते कोयल आपका निकालता है वो तकरीबन 1 हफ्ता भी बहुत ही मुश्किल से निकालेगा, उसके बाद वो कोयल जल जाएगा, क्योंकि उसमें वेजिटेबल ग्लिसरीन, क्योंकि वेजिटेबल ग्लिसरीन थोड़ी सी थिक होती है, इस वजह से वो कोयल जल जाता है जल्दी। तो डाल आप बेशक सकते हैं, लेकिन मैं उन व्यूवर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप लोग जो आई मीन डेफिनेटली ये वही लोग ऐड करते हैं जो लोग ना तो सिगरेट पीते हैं और ना जो है वो पहले से पोड पी रहे हैं, ये वही लोग करते हैं जो फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाह रहे होते हैं। और आई नो 60-70% लोग इसी तरह के हैं जो कि सिर्फ स्वैग के लिए उसको छोटा सा पोड जो है वो जेब में रखना चाह रहे होते हैं स्मोक के लिए। और इन्हीं लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि यार पोड का स्मोक किसका ज़्यादा है। ये सवाल मुझे दूसरा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पोड का स्मोक किसका ज़्यादा है। यार पोड जो है वो निकोटीन कंजम्पशन के लिए होता है, जिन लोगों को सिगरेट की आदत है, सिगरेट की आदत छोड़ना चाह रहे हैं वो उनके लिए है। खांसी पता नहीं क्यों लग गई है। तो आप लोग पोड सिर्फ इसलिए यूज़ करें, वो लोग पोड यूज़ करें जो निकोटीन कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरा पोड है, मैंने जेब में ही रखा होता है, ये पोड है, इस पोड के अंदर आप वीजी 70% नहीं यूज़ कर सकते। जिनको वीजी और पीजी का नहीं पता वो मेरी वीजी और पीजी वाली वीडियो देख लें, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो इस पोड के अंदर आप 70% वीजी नहीं यूज़ कर सकते, इसका कोयल ख़राब हो जाएगा, 1 हफ्ता भी नहीं चलना इसका कोयल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि आप इसमें ना यूज़ करें क्योंकि आपका कोयल ख़राब हो जाएगा। जो लोग पोड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं निकोटीन के लिए, सिर्फ वही लोग पोड लें। जो लोग स्वैग के लिए चाह रहे हैं, स्मोक के लिए चाह रहे हैं और छोटी डिवाइस चाह रहे हैं, वो पोड मोड लें बजाय इसके कि वो पोड लें। और अब वेप नहीं लेना चाह रहे क्योंकि वेप थोड़ा सा एक्सपेंसिव में आ जाता है, थोड़ा सा बड़े साइज़ में आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वेप भी नहीं, इसको जो है वो रिकमेंडेशन मैं इसकी दूंगा आपको। आप अगर छोटे साइज़ में लेना चाह रहे हैं तो पोड ना लें। अगर आप फ्री बेस यूज़ करना चाह रहे हैं, 0% या 0 mg यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप पोड मोड ले लें। आपको ना तो वेप की ज़रूरत है, ना ही आपको पोड की ज़रूरत है। पोड उन लोगों के लिए है जो लोग निकोटीन कंजम्पशन करना चाह रहे हैं। इसमें सिर्फ 50% वीजी 50% पीजी आप ऐड करें, इसके अलावा मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको। अगेन मैंने आपको बता दिया कि मसला क्या आता है, एक तो कोयल ख़राब हो जाता है आपका, दूसरा जो है वो आपको फ्लेवर नहीं आता। तो ये थी गाइस छोटी सी वीडियो आपको सिर्फ बताने के लिए कि यार आप फ्री बेस यूज़ नहीं कर सकते पोड के अंदर। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, अगर आप स्वैग के लिए भी करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इतना बजट है, इतने पैसे हैं आपके पास कि आप हर हफ्ते या 3 दिन या 4 दिन बाद कोयल खरीद सकते हैं नया, तो फिर आप कर लें, लेकिन अगेन उसके बाद आपको फ्लेवर नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो में जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी है या जो आप लोगों को बताया। कोई किसी के कोई भी इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। अल्लाह हाफिज़।